नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपना घर बेचता है और नए घर को परचेज कर लेता है तो वो अपने कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकता है। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं कि क्या जो उसने घर सेल किया है उसी का पैसा उसे यूज़ करना है नए घर को परचेज करने के लिए, और यदि वो नया घर खरीदता है तो उस केस में क्या जिस दिन एग्रीमेंट रजिस्टर किया गया है वो डेट देखी जाएगी या फिर जिस दिन पोजेशन लिया गया है वो डेट देखी जाएगी। इसके ऊपर ITAT ने डिसीजन दिया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया गया, एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में यह घर खरीदा गया था। 2011 में ये घर जो है वो खरीदने के लिए पैसा दिया गया और 2012 तक जो है सभी पैसा पे कर दिया गया। इसके लिए टैक्स पेयर ने लोन लिया था बैंक से। असेसी के द्वारा 2014 में अपना घर जो था रेजिडेंशियल हाउस वो बेचा गया और उससे जो पैसा मिला वो उसने यूज़ कर लिया अपने लोन को रीपे करने के लिए, जो कि उसने अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस को परचेज करने के लिए लिया था। एसएससी के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई और उसमें सेल कंसीडरेशन में से कॉस्ट लेस करने के बाद जो कैपिटल गेन आया वो सभी डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लिया गया, यानी कि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन क्लेम कर ली और कोई जो टैक्स है वो ऑफर नहीं किया कैपिटल गेन टैक्स। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा रिटर्न की स्क्रूटनी की गई और ये देखा गया कि एसएससी को यदि घर खरीदना होता है तो वो घर बेचने के एक साल पहले खरीद सकता है या फिर दो साल के बाद खरीद सकता है रेजिडेंशियल हाउस। इस केस में देखा गया कि घर जो है वो 2012 में परचेज किया गया था और इसकी एग्रीमेंट ऑफ सेल डेट देखी गई और वो भी 2012 की थी। इस प्रकार दो साल तीन महीने पहले जो है ये घर खरीदा गया था, जो ओरिजिनल एसेट सेल किया गया है यानी कि 2014 में सेल किया गया था। इस प्रकार इनकम टैक्स ऑफिसर का ये कहना था कि ये घर जो है विद इन टाइम नहीं खरीदा गया, यानी कि एक साल के अंदर या फिर दो साल के बाद। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर का ये भी व्यू था कि जो पैसा यूज़ किया गया घर को बाय करने के लिए वो रेगुलर इनकम से यूज़ किया जाना चाहिए था, जबकि टैक्स पेयर के द्वारा जो सेल प्रोसीड थी उसे यूज़ कर लिया गया लोन को रीपे करने के लिए। इस प्रकार ये प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो उस पैसे से नहीं खरीदी गई जो कि घर को बेचने से आया था। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने देखा कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो रजिस्टर किया गया था एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के केस में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की प्रोविज़न है कि जैसे ही बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लेता है तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो रजिस्टर करना होता है। इस केस में रेजिडेंशियल हाउस की कंस्ट्रक्शन 2 अप्रैल 2016 को कम्प्लीट हुई है। इस प्रकार जो डेट ऑफ एक्चुअल पोजेशन है हाउस की वो देखी जाएगी, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 मई 2014 को व्यक्ति के द्वारा घर जो है वो बेचा गया था और 2 अप्रैल 2016 को यहाँ पे ये माना जाएगा कि उसने घर खरीद लिया था। इस प्रकार विद इन 2 ईयर्स उसने घर खरीद लिया है नया, इसलिए वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसके साथ ही इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि सोर्स ऑफ द फंड इररेलेवेंट है, नया घर आप लोन लेके भी खरीद सकते हैं और जब आपने घर बेचा है तो उससे जो पैसा मिला है उसे यूज़ कर सकते हैं लोन को रीपे करने के लिए। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।